मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सड़कों पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर कर्ज माफी का वादा पूरा ना करने और बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आपदा से राहत राशि न मिलने के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में आज किसान आक्रोश आंदोलन चला रही है। कमलनाथ सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे सभी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये प्रदर्शन, आपको तस्वीरों में पीछे दिखाते हैं, ये प्रदर्शन जो हो रहा है इसमें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन दे रहे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरती आई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कर्ज माफी की घोषणा की गई थी ये सिर्फ कोरी घोषणा थी और यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं और इसीलिए किसान आक्रोश आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तमाम जगहों पर। भोपाल की हम तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय को पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया है। कार्यालय तक न पहुंच पाए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, इसलिए उन्हें यहीं पे बैरिकेटिंग कर रोकने की तैयारी है। बीजेपी ने 10 महीने की कमलनाथ सरकार के खिलाफ कर्ज माफी का वादा पूरा न करने, बढ़े हुए बिजली बिल आने के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर और बिजली के बिल जलाकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में किसान हाहाकार कर रहे हैं, एक पैसा भी राहत राशि नहीं मिली, चलेगी नहीं, किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसान को 1 रुपए की भी राहत राशि आज तक नहीं मिली, लाखों हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग किसानों के समर्थन उनके पक्ष को रखने के लिए और अपना राज धर्म जो खिलाफ पार्टी के प्रतिपक्ष के रूप में हमारा है इसको निभाने के लिए हम लोग आज कलेक्ट्रेट की घेराव करेंगे, मार्च कर रहे हैं हम लोग कलेक्ट्रेट। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, हजारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस निरंकुश इस असंवेदनशील कमलनाथ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है और सेठ कमलनाथ को ये चेतावनी है कि यदि उन्होंने जनता की समस्या को हल नहीं किया तो जनता उनको वहीं कांग्रेस ने भी सड़कों पर किसानों के मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई अब तक केंद्र सरकार ने नहीं की है। सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात कर 6162 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की मांग की थी, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता का पैसा जो हमें बाढ़ जो आपदा प्रबंधन का 16000 करोड़ रुपए अभी मिल रहा था, 20000 करोड़ रुपए कई और योजनाओं में सरकार ने रोक रखे, हमारी मांग है कि वो पैसा दिया जाए ताकि जनता को हम राहत दे। मध्य प्रदेश सरकार अपना जितना पैसा है वो दे चुकी है, आज केंद्र की ओर किसान देख रहा है, पर किसान के विरोधी है केंद्र सरकार, जनता का विरोध कर तो बीजेपी धरना दे रही है कि कांग्रेस नहीं पैसा यहाँ किसानों को फायदा दे रही है। लगता है कि बीजेपी शिवराज सरकार के पाप और उनकी गलत नीति और नियत के कारण किसान पे कर्जा चढ़ा और कमलनाथ जी की सरकार उस पाप को साफ करके किसानों का कर्जा माफ कर रही है और कर्जा माफ करके इस मध्य प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा रही है। ये झूठ बोलना बंद करें, घोषणा बंद करें, इन्होंने जनता को पहले 15 साल लूटा और आज दिग्भ्रमित करने का काम किया। मध्य प्रदेश में 15 सालों तक सत्ता में बीजेपी रही और 15 सालों के बाद सत्ता में आई कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर सियासत करती हुई नजर आ रही है। सियासत अपनी तरफ, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा किसान है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।